स्वागत है प्रिय दर्शकों आपका आज के स्टॉक फेस्ट में। और टैग पे जो ट्रांसफॉर्म एंड इम्पा थ्रू कम्युनिकेशन चैनल है उसका ये पांचवा टॉक फेस्ट है। और इस टॉक फेस्ट की शुरुआत दूसरे टॉक फेस्ट से कही जा सकती है जो पेरेंटिंग पे था, जिस टॉक फेस्ट में मेरे साथ वार्ता में थे प्रीति सैनी जी। और उस टॉक फेस्ट के बाद जब मेरी आज के हमारे जो वक्ता हैं प्रदीप नारायण जी, जो लंबे समय से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, 18 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दैनिक भास्कर में दी हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से प्रदीप नारायण जी का चैनल टैग पे स्वागत करता हूं। प्रदीप जी स्वागत है। हाँ, नमस्कार। धन्यवाद राजपाल जी। तो सर अपनी जो बात हुई उसी को अब सीधा स्पॉन्टेनियसली इस चैनल पे और इस वार्ता में लेते हैं। सर पेरेंटिंग पे भी आप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सर्टनली जो अखबार है दैनिक रणघोष, जो आपने दैनिक भास्कर से जब अपनी सेवाएं बंद कर दी उसके बाद से आपने जो ये अखबार चलाया है, ये बेहद अच्छा अखबार है काफी सारे मायनों में। और उनमें से एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो लगी आपके अखबार में एक जो आप लेख लिखवाते हैं बच्चों से, जिसके लिए आपने मोटिवेट भी किया होगा शायद, मेरे माता-पिता के संघर्ष की कहानी। जी तो ये जो आपने देखिए जी कहानी बड़ा एक रुचिकर टॉपिक है भारतीय मानस में, भारतीय समाज में हर किसी की अपनी एक कहानी है, चाहे उसको कोई समझे या ना जी समझे, कुछ दिन ना समझे फिर समझना पड़े। और ये बात भी है कि जब बात संघर्ष की आती है तो हर एक व्यक्ति का जीवन संघर्षमय जीवन है काफी हद तक। और कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के संघर्ष और सहयोग से एक बड़ा संघर्ष बन जाता है जो जिसका श्रेय भी ले लिया जाता है और फिर अलग किस्म के संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो हम सभी के जीवन में संघर्ष तो वो एक इंटीग्रल पार्ट है, जी अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन आपने बच्चों को ये जी जो अपने माता पिता के जो संघर्ष की कहानी है उससे लिखवा के, ये जो आपने जो भी आपका इस पे हम चर्चा रखेंगे, लेकिन इसकी मैं बिगिनिंग में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस विचार की जो मोटिवेशन है और इस विचार का जो स्रोत है, प्रेरणा स्रोत क्या है? जी राजपाल जी, ये करीब 2 साल पहले की बात है। जी और अक्सर चूंकि 21 साल हो गए अखबार की दुनिया में, तो जी बहुत सी रिपोर्टिंग मैंने की। और आमतौर पर मैं महसूस करता था कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें समाज में कितना बदलाव हम ला रहे हैं, या हमारी रिपोर्टिंग से, या हमारे जितने भी हमारी टीम जो काम करती है। तो क्या सचमुच मीडिया उस भूमिका में खड़ा है जो बेहतर बदलाव की तरफ चल रहा हो? तो अक्सर मुझे खोखलापन सा नजर आता था, विशेष तौर से चूंकि स्कूलों से जो भी न्यूज मेरे पास आती थी, तो आमतौर पर मैं ये देखता था कि बच्चों में सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर या जितने भी राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं उसकी कवरेज को लेकर जो भी उसमें नीरसता रही है, एक फॉर्मेलिटीज मुझे नजर आती थी। जी मुझे ये लगता था कि कहीं ये बच्चे, हमारे बच्चे, ये जो जितनी मेहनत करते हैं या तमाम जो भी स्कूल की अपनी काम करने की कार्यशैली है, वो उसमें उनके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बदलाव कैसे आता है। और जी उसके बाद आपने देखा होगा राजपाल जी कि अक्सर जो मैंने महसूस किया कि बच्चों में अगर हम बात करें कि बेटा तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, या पेरेंट्स से भी बात करें, टीचर से भी बात करें, तो मुझे लगता है कि तकरीबन तकरीबन जवाब यही आता है कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे ITN बनना है, उसे UPSC की तैयारी करना है, यानी कि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ उस मुकाम पर हासिल करना है एकेडमिक लेवल पर। तो अक्सर ये एक सवाल आता था कि क्या कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसी कोई उदाहरण हमारे सामने अभी तक नहीं आया कि क्या कोई ये बता सकता है कि हमें अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान भी बनाना है। और वो बेहतर इंसान बच्चा कैसे बनेगा? क्योंकि बेहतर इंसान का शब्द इसलिए मुझे ये बार बार याद आता है कि जितने भी हमारे देश के महान पुरुष रहे हैं, वो हमको इसलिए याद नहीं करते कि वो राष्ट्रपति रहे या प्रधानमंत्री रहे या बहुत बड़े उद्योगपति रहे, वो एक अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा याद किए जाते हैं।
ये अच्छे इंसान की जो जड़ें हैं वो कहाँ से निकलती, ये मेरे अंदर एक विचार आया, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार होने के साथ साथ एक पिता भी हूँ, पति भी हूँ, और तमाम मेरी भी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसके बीच में मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ, या मेरा अपना बचपन मुझे याद आता है, या मुझे अपने माता पिता का संघर्ष याद आता है, तो उसमें जो मुझे अंतर नजर आता है उस अंतर से मैं कई बार विचलित हो जाता हूँ कि मेरे जो हमारा बचपन था, हमारे माता पिता ने जिस मेहनत को, मैंने आज मैं पिता होने की आधार पर उनको मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कितनी मेहनत करते थे उस समय, और हम किस हालातों से, परिस्थितियों से हम आगे बढ़े, और आज की जो जनरेशन हमारी जो बच्चों की है और किस सुविधाओं में वो आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो एक बहुत भयंकर जो अंतर मुझे नजर आता है उससे कई बार डर लगता है कि क्या आने वाली पीढ़ी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने जा रही है, क्योंकि इस समय जो हमारे देश प्रदेश के राष्ट्र की जो तस्वीर सामने नजर आ रही है वो कई बार मुझे डरा देती है। जब बहुत सी घटनाएं ऐसी हमारे जीवन में होती है कि बच्चों में एक विल पावर जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है, असफलता बच्चों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही, नंबरों की दुनिया में बच्चों को ले जाया जा रहा है, बहुत तमाम बातें ऐसी थी, उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरा समाज जो है, चूंकि बच्चे जो है वो हमारी जड़ें हैं, आने वाली पीढ़ी जो जिसको हम कहते हैं वो हमारी जड़ें हैं जो हमें एक दिशा की तरफ ले जाती है, तो ऐसे बहुत से ख्याल आता है कि कभी पेरेंट्स से, अगर मैंने बहुत से, आपको मैं बताऊं राजपाल जी, मैंने बहुत से स्कूल अटेंड किए, सेमिनार किए इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने बच्चों से जो बातचीत करी कि बेटा जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आप प्रिंट मीडिया के लोग हैं, और जब प्रिंट मीडिया में लिखना शुरू होता है तो जब तक आर्टिकल पूरा नहीं हो जाता जब तक पेन रुकता नहीं है, कलम रुकती नहीं है पत्रकार, तो वो सही बात है। लेकिन आपने अभी दो बातें कही, एक तो आपने कहा कि शिक्षा के जो क्षेत्र से जो खबरें आती थी उनमें खोखलापन नजर आता था, दूसरा आपने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रोफेशन हैं उसमें आपने डॉक्टर्स का नाम लिया, आपने इंजीनियर्स का नाम लिया, आपने यूपीएससी का नाम लिया, मतलब आईएएस और आईपीएस का नाम लिया, इसमें आपने शिक्षक का नाम नहीं लिया। तो एक साइड में तो आप शिक्षा के खोखलेपन से परेशान हैं, और दूसरी साइड में जो एक अवधारणा भी है कि अगर कोई आईएएस बनता है तो उसका पूरा मान सम्मान है, लेकिन एक शिक्षक बनता है कैसा बनता है या नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं होती, तो क्या आप भी उसी मानसिकता के साथ चलना चाह रहे हैं और शिक्षा के खोखलेपन को दूर करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मेरी बात को थोड़ा सा आप प्लीज समझिएगा, मैं देखिए यूपीएससी में आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, आईपीएस बनना, हालांकि ये टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर जो राजपाल जी मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ या वह एक बात को मैं थोड़ा लंबी ले जाना चाह रहा हूँ, उसमें जो बातें, चूंकि ये बहुत कम समय में बहुत कम शब्दों में इस बात को समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक आप एक विषय है। आप एक बात बताइए प्रदीप जी, आपका जो विजन है वो पूरी बात में आ ही जाएगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने ये अपने अखबार में शुरू किया, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है मेरे माता पिता के संघर्ष की कहानी तो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, दूसरा माता पिता के संघर्ष की कहानी को जानना, जो आज एक समाज में बिखराव है वो शायद यहीं से माता पिता से जब बच्चे दूर होते हैं वहीं से शुरू होता है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने टॉपिक लिया है, और इसमें आपको जाहिर तौर पे दिक्कतें भी आई होंगी, उन दिक्कतों से भी पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार की है, आपको किस प्रकार की दिक्कतें आई जब आपने ये आपने अपने अखबार में ये जब कॉलम शुरू किया तो किस प्रकार की दिक्कतें आपको आई या कोई दिक्कत नहीं आई? मैं दिक्कत शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अलग दृष्टि से मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये सारी बातें मानसिकता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस समय जो शिक्षा का परिवेश है वो दो तरह से है, एक तो सरकारी एक प्राइवेट, जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शिक्षा ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने विशेष तौर से, चूंकि मुझे ये लगा कि मुझे बच्चों के बीच में जाना है, पहले उनको जान तो लूं कि वो मैं जो विषय को लेकर जो आत्मंथन कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्या सचमुच ये जो इस समय बच्चे जो है वो अपने माता पिता को लेकर कितना जानते। तो मैंने बहुत से स्कूलों में सेमिनार की है, बच्चों से बातचीत करी, और मैंने उनसे ही पूछा कि बेटा अब ये बताओ कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हो, जितने भी महान पुरुषों के बारे में, पाठ्यक्रम के आधार पर आप लोग तैयारी करते हो, भाषण प्रतियोगिता करते हो, उनके इतिहास के बारे में, उनके जीवन सफर के बारे में जानते,
करते हो, आप मुझे बताओगे, आप अपने माता पिता के बारे में बताओगे, आपकी उम्र में आपके माता पिता ने उस समय किस माहौल में पढ़ाई करी, किस हालात में रहते थे, आपकी माता जी जो है वो शादी से पहले कहाँ तक पढ़ी थी, आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, कैसा माहौल था, कैसे स्कूल हुआ करते, क्या फीस हुआ करती, क्या रहन सहन हुआ करता। तो आप यकीन मनाइए, इसमें राजपाल जी की हैरान करने वाली बात है कि 99% बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे माता पिता किस दौर से आगे बढ़े हैं, किस चुनौतियों का उन्होंने जीवन में सामना किया है। उनको तो जो वर्तमान में नजर आ रहा है उसी में वो अपने माता पिता के उस तमाम चीजों को देख पा रहे हैं, जबकि उनका हम अतीत में जाए या उनके बचपन में उनकी जितनी उम्र उनके बच्चों की है अगर वो बातचीत करे तो वो। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा तुम मेरे कहने से एक बार 1-1 घंटे अपने माता पिता से बात करना जाकर, और ये पूछना कि माँ तुम मेरी उम्र में कैसे जो है तुमने तालीम हासिल करी, वो अपने जीवन के बारे में बताएगी। उसके बाद अपने फादर से बात करना, उसके बाद बेटा वो जो दोनों बातें 1-1 घंटे ईमानदारी से बात करना, उसके बाद आप महसूस करना कि उनका जीवन का जो सफर रहा है और वर्तमान में आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो कितना अंतर है उनके जीवन का। तो वो मैंने जो उन बच्चों से अपील करी और मैं कहा बेटा तुम अपनी सच्ची भावना से जिस तरह से तुम निबंध लिखते हो, प्रतियोगिता में भाग लेते हो, ऐसे ही अपने माता पिता के उस अनुभव के उनके जीवन सफर के बारे में पूरा लिख कर लाओ। तो मैंने उनको पूरी तरीके से अपील भी करी और बच्चे आप यकीन मानिए जब मैंने बच्चों से सवाल करना शुरू किया बेटा आप बताओ कि आपकी माताजी सुबह कितना बजे उठती है, रात को कितने बजे सोती है, मतलब एक ऐसी छोटी छोटी सवाल जब मैंने करने लग गए शुरू किया तो राजपाल जी आप मानना कि बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि सर हमें पहली बार किसी ने बताया कि ये भी। मैंने कहा बेटा हम महान किसे कहते हैं, क्या माता पिता से महान कोई हो सकता है कि जो दिन और रात तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए पसीना बहाते हैं। तो एक इमोशनल जी मुझे मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, तो आपने बच्चों को रुला दिया? जी आपने बच्चों को रुला दिया? रुलाया नहीं, दरअसल उनको जी दरअसल मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो उदारवादी आदर्शवाद है, उदारवादी आदर्शवादी जो अभिभावक हैं या जो उदारवादी आदर्शवादी विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि भाई एक पेरेंट्स ने क्या किया, उसकी क्या कमियां रही, क्या उसकी खुद की कुंठाएं रही और क्या उसके खुद के अधूरे सपने रहे, उसके जीवन का क्या संघर्ष रहा, वो बच्चों पे नहीं लादना चाहिए। तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, इसको मैं और थोड़ा सा विस्तार से बताना चाह रहा हूँ राजपाल जी की। देखिए लादने वाली कोई बात नहीं, मेरा जो विषय था, जो मेरा मकसद था, मेरा जो ये कॉलम शुरू किया आपको मैं बताऊं कि मैंने लगभग 100 के लगभग जो है बच्चों ने अपने जीवन पर, बच्चों ने अपने माता पिता की संघर्ष की कहानियां लिखी और मैंने उसको प्रकाशित की है जी। और प्रकाशन के बाद जो बदलाव बच्चों में आया या उनके माता पिता में, जब उनको लगा कि हमारे बच्चे हमारी अभी से इतनी चिंता कर रहे हैं, तो उसमें उनमें जो आदतें थी बच्चों में, जो सुविधाओं में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने महसूस किया है कि हम छोटी छोटी आवश्यकता हमारी जिस तरह से पूरी हो जाती है उसके पीछे हमारे जो माता पिता इतनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का एहसास उनको हुआ। तो उसमें बच्चों को साथ साथ माता पिता को इतना गर्व महसूस हुआ कि हमारे बच्चे हमारी जड़ों से जुड़ रहे जी। उनको महसूस होने लगे कि अब हमारा बच्चा कहीं भी जाएगा तो वो किसी भटकाव की स्थिति में नहीं रहेगा, उनकी चिंता खत्म हो गई क्योंकि वो उनके उस संघर्ष के साथी बन गए जिस संघर्ष को उन्होंने कभी बताया ही नहीं अपने बच्चों को। उनको ये डर रहता था कि बच्चे महसूस ना कर जाए, लेकिन अब चूंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानियों की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम जितने भी महान पुरुषों के बारे में याद करते तो उनके संघर्ष को बार बार याद करते, चाहे डॉक्टर कलाम जी की हम बात करें तो राष्ट्रपति रहे, महान वैज्ञानिक रहे, एक बहुत एक बेहतर इंसान रहे कि जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन में संघर्ष करके वो मुकाम हासिल किया। तो ये वही बात मैं अपने बच्चों से कहता था, बेटा अपने माता पिता का संघर्ष में हमें पूरा उनको हमें पता होना चाहिए कि आज जो हम जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या उनकी रही है। तो ये एक ऐसा प्रयास था कि जो उनको विल पावर जिसको कहते हैं बच्चों में एक इच्छा शक्ति जो अंतर की आंतरिक ऊर्जा का जो आंतरिक ऊर्जा का संचार होना कि अगर उनके जीवन में भी अगर किसी भी तरह का संघर्ष आएगा तो वो उसका आसानी से
सामना भी कर लेंगे, और मुझे लगता है कि वो जब, क्योंकि बच्चे अपने कैरियर की तरफ जब बाहर जाते हैं, घर छोड़ के, स्कूल छोड़ के कहीं बाहर ऐसे माहौल में रहते हैं, तो वो जो उनका मोटिवेशन है, जो माता पिता से उनको मिला है, उनके जीवन को समझ कर मिला है, वो उनकी असली ताकत बनकर उनके साथ डटा रहता है, और वो कहीं ना कहीं जितने भी संघर्ष उनके जीवन में आता है तो वो बखूबी रूप से उनको ताकत भी मिलती है ऐसा करने से। राजपाल जी, मैं इसके पीछे दो तीन चीजें और बताना चाह रहा हूँ आपसे कि ये दरअसल मेरा जो मानना था कि मैं कई बार महसूस करता था कि जब मेरे पास बेदखली के जब एफिडेविट आते थे और मैंने स्टडी भी करी थी कि शायद ही देश की कोई ऐसी कोर्ट होगी जहां हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एफिडेविट नहीं आता होगा जब माता पिता अपनी औलाद को बेदखल कर रहे हैं। तो ये जो मूल्य का जो गिरावट आ रही है हमारे नैतिक मूल्यों में, संस्कारों में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, हमें ये लगता है कि स्कूल की जो जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने, क्योंकि स्कूलों का आपको इसमें कहने की जरूरत नहीं कि बच्चों को हम एक प्रोडक्ट की तरह तैयार कर रहे हैं, एक इंसान की वजह एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कि ये कितने पैकेज का बनने वाला है आने वाले समय में। यही जो सोच है ये बड़ी इतनी खतरनाक सोच है, जैसे हम ब्यूटी पार्लर से सुंदरता तय करते हैं, उसी तरह की मानसिकता हमारे समाज में, हमारी सोच में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी है। तो ये उसी वजह से हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हम इंसान बनने जा रहे हैं या हम किस मशीन के तौर पर किसी प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस विषय में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, जी हम बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि बच्चों को एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है, उत्पाद को तैयार करने के लिए पेरेंट्स भी उस उत्पाद को तैयार करने के लिए उस उत्पाद में एक निवेश समझते हैं, शिक्षा पे जो भारी खर्चा किया जाता है उसको निवेश समझते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उसमें सारा जो मामला है वो अलग ही बन जाता है। तो अब इससे पहले कि आप इस विषय में विस्तार से अपनी बात को रखें, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि मैं जो आपने जो बात कही है उससे पूरा समर्थन भी है, क्योंकि मैं तो खुद उस परंपरा से हूं जिसमें हम भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो तीन ऋण सबसे बड़े ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। वो माता पिता के प्रति भी जो हमारा जो पूरा ये शरीर है ये माता पिता से ही है, तो उसके संघर्ष को जानना तो हमारा सबसे पहला काम है। और शिक्षा की भी बात की जाए तो कहा जाता है कि घर सबसे पहला है और माँ सबसे पहली टीचर है। तो उन टीचर्स से अगर हम नहीं सीखते हैं और उस घर को अपना स्कूल नहीं समझते हैं तो फिर बाहर जितने बड़े स्कूल्स में हम जाएं, जहां भी जाएं, वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमने पेरेंटिंग पे भी बात की थी, और पर्टिकुलरली जब ऑनलाइन एजुकेशन है तो इसमें तो सारा जो काम है वो पेरेंट्स को करना है। जो फिजिकलिटी है क्लासरूम की वो सारी पेरेंट्स को देनी है, उनको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का रोल अदा घर पे करना है। ये सब सही है। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो, परिवार की उन्नति होती है या परिवार की अवनति होती है? और उस दृष्टि से पेरेंटिंग या बच्चे का अपने माँ बाप के संघर्ष को जानना किस प्रकार से कारगर है, किस प्रकार से सहायक है परिवार की उन्नति में? क्योंकि परिवार की उन्नति एक पीढ़ी से तो होती नहीं है, पीढ़ियों में होती है। बिल्कुल ठीक है आपने राजपाल जी, देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, और आपने देखा होगा ये एक पीढ़ी ऐसी भी आती है जो उस परिवार की प्रतिष्ठा को दुगनी भी कर देती है, उसको बिल्कुल शर्मसार कर देती है। ये मैं उसी की बात बार बार कर रहा हूँ कि इस समय जो अगर हम बात करें कोर्ट कचहरी में अगर हम देखें तो जितने भी मसले होते हैं अधिकांश मसले परिवार से जुड़े रहते हैं, ठीक है, और जो विवाद होते हैं वो भी परिवार से जुड़े रहे। अगर हम बात करें अपने जितने भी इतिहास की, जितने भी पुराण की बात करें तो सारे जितने भी अगर संघर्ष हुआ है तो सब पारिवारिक उस ढांचे के अंतर्गत ही हुआ है। वो एक लंबा विषय हो जाएगा, मैं तो वर्तमान परिवेश की बात कर रहा हूँ कि मैंने जब ये प्रयास किया राजपाल जी, और रही बात संघर्ष की और उसके बाद बच्चों की जो कहानियां मैंने प्रकाशित की, मैंने हमेशा बच्चों से कहा बेटा इस जो भी आप लिखो ईमानदारी की सही से लिखना, चूंकि तुम कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे हो, तुम कोई विषय नहीं है, कोई इसमें तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलना, तुम मैंने जिंदगी की वो सारांश लिख रहे हो जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कहानियों को लाखों लोग पढ़ेंगे
आपके आजू बाजू जितने भी मिलने वाले लोग पढ़ेंगे और आपका जो दृष्टिकोण बनेगा आज से पहले, कहानी लिखने से पहले तक, जानने तक, और उसके बाद जो बदलाव आएगा, राजपाल जी इतना जबरदस्त बच्चों के अंदर जो स्वभाव में बदलाव आया है, कुछ टीचर्स कहने लगे कि वास्तव में जो है ये एक हमारे हमारे बच्चे, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ सर्विस हासिल करना नहीं है, एजुकेशन का मतलब बहुत शानदार मुकाम हासिल करना नहीं है, एजुकेशन का मतलब ये कि हम एक अच्छा इंसान भी बने और अच्छा इंसान बनने के बाद हम सब चीज प्राप्त कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि आप चाहे कितना भी अगर कोई, जी जी मैं एक आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। देखिए वर्तमान में जिस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं हैं, सारी गलत भी नहीं है, सारियों में सुधार की जरूरत भी है, लेकिन आपने देखिए पत्रकारिता में 18 साल तक दैनिक भास्कर एक जो अच्छा अखबार है उसके साथ में काम किया, फिर आपने दैनिक रणघोष वो आपने शुरू कर दिया, और अच्छा होता अगर पत्रकारिता की मार्केटिंग की बात करें तो जब लोग बड़ी बड़ी स्टोरीज को, बड़े बड़े लोगों की कहानियां जो नहीं भी हैं उनको गढ़ रहे हैं उन, समझ रहे हैं आप, जो आइकनाइजेशन की पॉलिटिक्स है लोगों को हीरो बनाने के लिए या हीरोइन बनाने के लिए, पर्टिकुलरली बहुत सारे कारणों से जो कहानियां नहीं भी हैं उनको भी एक रूप दिया जाता है छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो आप उन कहानियों को कवर करने की बजाय, और छोटे छोटे जो कोई फल विक्रेता है या कोई टायर पंचर लगाता है या कोई और किसी प्रकार का काम करता है जिसको समाज पूरा सम्मान नहीं देता, यानी कि उनको छोटा समझा जाता है जो है ना, क्योंकि भगवत गीता तो इक्वानिमिटी कहती है कि सब, अगर सारे पर्वत, सब पर्वत का अपना रोल है, पत्थर का अपना रोल है, सोने की ईंट का अपना रोल है, सोने की ईंट से आप घर नहीं बना सकते, उसको बेच के पैसा लेके, और जो मिट्टी की ईंट बनी है उससे भवन बना सकते हैं आप, तो वो मिट्टी वाली ईंट भी जरूरी है, तो आप वो काम कर रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग है, क्या मतलब ये प्रॉफिटेबल है आपके लिए, किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं आप इसमें? देखिए मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, देखिए मैं इस समय जिस जो जी दौर से मीडिया गुजर रहा है, बाजारवाद की हम बात करें, बाजारवाद से तो अब हर क्षेत्र उसके मतलब अछूता नहीं है, एजुकेशन की हम बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उसमें अर्थ की अपनी भूमिका रहती है और अर्थ से ही कई बार मापदंड तय होते हैं, लेकिन वो सब वो एक विषय है का, इसमें मैं ये नहीं कह रहा। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि चाहे वो पेरेंट्स अमीर हो चाहे गरीब हो, माता पिता की कोई आर्थिक और उसका उससे ज्यादा सरोकार नहीं होता, कोई भी अगर वो संपन्न व्यक्ति के घर में भी अगर कोई बच्चा है तो वो तभी गर्व महसूस करेगा जब उसको लगेगा कि मेरा बच्चा एक संस्कार के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कितना ही पैसा कमा लीजिए। आप ये मुझे बताइए राजपाल जी कि हम जब कोई रिश्ता करते हैं तो बच्चों का पहले तो हम उसका प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो किस पायदान पर है, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा जो है सही हाथों में सब जा रहा है, उसके साथ साथ मुख्य मुद्दा आता है उसके चरित्र पर, उसके रहन सहन, उसके व्यवहार पर। अगर मान लीजिए अगर वहां से थोड़ी सी भी अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है, आपको एक बात बता रहा हूँ अलग तरीके जी, हाँ बोलिए आप बोलिए, वो नेगेटिव रिपोर्ट आती तो मान लीजिए उसकी सब डिग्री है, उसकी जितनी भी मेहनत करी है वो सब एक साइड में रह जाती। मैं एक जो बात मानना चाह रहा हूँ वही वापस वहीं पर लौट रहा हूँ कि देखिए मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जिस मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत सी चुनौती है। मैंने कम से कम 20 से 25 स्कूलों का दौरा किया जिसमें मुश्किल से 2 या 4 स्कूलों ने, आज भी उनकी कहानियां मेरे पास आ रही है, सभी स्कूल मानते कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो पता नहीं किस किस वजह से उनको ये लगता है कि भाई ये इस तरह के प्रयास से कहीं पेरेंट्स जो है या हमारा जो एक अपनी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ठहर ना जाए, कहीं ना कहीं उनका अपना ये एजेंडा होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि एजुकेशन में जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से एजुकेशन है, सरकारी का तो आपको पता ही क्या हाल हो रहा है, तो सबकी सब एक व्यवसायिक दृष्टिकोण के मापदंड को आधार बनाते हुए आगे बढ़ रही है। उसमें कई तरह की चैलेंज है, लेकिन बदलाव किसी न किसी कोने से हुआ भी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, वहीं से कहीं ना कहीं किसी स्कूल से किसी बच्चे की स्टोरी आ जाती है, किसी टीचर का फोन आ जाता है, अभी 2-3 बड़े स्कूलों के भी फोन आए कि प्रदीप जी आप अच्छा प्रयास करें, आइए मीटिंग करते हैं, आप हमारे बच्चों को गाइड किए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कहीं ना कहीं
महसूस किया जा रहा है इस मौजूदा माहौल को देखते हुए। दूसरी बात राजपाल जी, ये जो विषय है ये कोई विषय इस तरह से नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा किसी को मेहनत करनी है, कोई अलग से कोई अनावश्यक कार्य होगा, ये बहुत ही आत्ममंथन का विषय है। मैं तो इसे विषय भी नहीं कहूंगा, ये खुद के प्रति ईमानदार होने का, खुद के प्रति सवाल करने का, क्योंकि ये सवाल भी आप पर ही और जवाब भी आपको देना है, तो ये अपने आप से सवाल है। क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ा मसला है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान जो है, हमारी जो पीढ़ी है, वो अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ एक बेहतर मूल्यों के साथ उसको मतलब पूरा करे। अब आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी को हम किस लिए याद करते हैं? ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मतलब डिग्री हासिल की थी, उनका व्यक्तित्व इतना महान था, उनकी विचार सोच इतनी महान थी कि आज तक उनको हम लगातार उनको नमन करते आ रहे हैं, उनको याद करते आ रहे हैं। लेकिन ये वो कहाँ से आएगा? वो एक माहौल से आएगा ना, कि वो उनकी जड़ें बहुत पहले से मजबूत थी, उनके माता पिता का जो उनका एक उनको जो मिला बचपन में, जो उन्होंने उनसे जुड़े रहे, उनकी जड़ों से जुड़े रहे, तो उनका नतीजा रहा कि आज वो महान पुरुषों के तौर पर हम सब उनको नमन करते हैं। मैं वही बात यहीं पर दोहराना चाह रहा हूँ कि सर कोई भी व्यक्ति, चाहे ऐसा नहीं कि सफलता के बाद ही कहानी लिखी जाए, आज हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पायदान पर, किसी भी पद पर, किसी भी कुछ भी तरह का व्यवसाय कर रहा है, अपने आप में वो विशेष है, क्योंकि अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। और ये हमको सबको, हर व्यक्ति को मेरा ये भी कहना होता है कि बच्चों से मैं अक्सर ये कहता हूँ, बेटा अपने आप से गर्व करो, अपने आप से मोहब्बत करो, किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि ये जो समय है ना ये बदलता रहता है। आज ऐसा नहीं कि सब कुछ सफलता हासिल करने के बाद हम सब चीजें कहानी लिखी जा रही है। मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला कि मैंने चाय बेची, तो मुझे लग रहा है वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनकी कहानियां जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से आई, या हर हर किसी बड़े व्यक्ति की कहानी आई, तो वो कहानियां कहीं ना कहीं जीवन में असर डालती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो ये पंचलाइन थी, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो उसका जो राजनीतिक लाभ मोदी जी को मिला अपनी कहानी के आधार पर, वो सकता है कि वो उनका इतना डेवलपमेंट के आधार पर नहीं मिला होगा। क्योंकि कहानियां आपने और हमने बचपन में उन्हें दादा दादी नाना नानी से हम लोग सुनते थे, आज भी हमारे दिमाग में वो कहानियां कभी डिलीट नहीं हुई है, आज भी वो कहानी हमें याद आती है। बचपन में तमाम जो बातें अगर हम बात करेंगे तो वो याद आ जाती है। उसी तरह से माता पिता की संघर्ष की लिखी हुई कहानियां जब बच्चे अपनी उस लिखने के बाद जब अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, अलग अलग देशों में, कहीं विदेश में जाएंगे, तो कहानियां उनकी ताकत बन के, उनकी प्रेरणा बन के उनको हमेशा आगे प्रेरित करती रहेगी। और वो कहीं ना कहीं जहां भी जाएंगे, कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो माहौल में रहेंगे, वो चुनौतियों को भी वो झेल पाएंगे। जी प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता वाली कहानी नहीं लिख रहे हैं, आप एक साहित्यकार वाली कहानी लिख रहे हैं। आप अपने रोल से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल हूँ, चूंकि देखिए मैं 21 साल की अखबार की दुनिया में, मुझे सब तरह से पता है कि आज 80% खबरें ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आती है जी। किस तरह की खबरें हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मीडिया किस दौर से गुजर रहा है। मेरा तो व्यक्तिगत ही मानना है, चूंकि मैं अपना अखबार निकाल रहा हूँ, तो कुछ बहुत से मेरे अपने खुद के एक अंदर जो मुझे कुछ करने की मेरी चाहत थी वो किसी माध्यम से पूरी कर पा रहा हूँ। आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि माता पिता के संघर्ष की कहानियां को एक कहीं ना कहीं एक सरकार भी, प्रशासन भी, एजुकेशन सिस्टम भी, उसको एक कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम की बात नहीं कह रहा मैं, वो एक बार हर बच्चे के लिए अनिवार्य कर दीजिए कि वो 8वीं से 12वीं तक का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी विषय ले लीजिएगा, उसमें वो अपने माता पिता की जिस तरह से महान पुरुषों के बारे में कहानियां लिखते हैं, ऐसे ही अपने माता पिता के संघर्ष की कहानियां जरूर लिख कर लाए। और उसमें वो स्कूल को ऊपर तय करता है कि वो इसी विषय को कितनी संवेदनशीलता से लेता है, कितनी गंभीरता से लेता है। वो इसलिए जरूरी है कि हम सब कुछ बनना आसान है, एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा इंसान ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि पाठ्यक्रम में कोई हमने कुछ पढ़ लिया, किसी महान पुरुषों के बारे में बोल दिया, भाषण दे दिया, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। और अच्छे इंसान बनने का रास्ता जो है, आपके माता पिता के से बेहतर कोई नहीं हो सकता, वही आपके महान पुरुष है जो आपका लालन पोषण करते हैं, दिन रात आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए संघर्ष में तपते हैं। मैं सभी से बच्चों से ये कहता हूँ, बेटा माता पिता के संघर्ष में एक दिन नहा लो, आप उनसे जान लो कि उनका स्वरूप, उनका आपकी उम्र में उन्होंने किस दौर को जिया है,
इससे क्या होगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक अच्छा नागरिक भी बनेंगे और वो समाज, परिवार, राष्ट्र का एक बहुत मजबूती के साथ हम सभी के लिए वो ताकत का काम करेंगे। जी राजपाल जी, तो प्रदीप जी मुझे लगता है कि आज के इस वार्तालाप के लिए सफिशिएंट है, और आप हमारे चैनल टैग पे आए और माता पिता के संघर्ष की कहानी पर आपने इतना अच्छे से प्रकाश डाला, उसके लिए टीम टैग आपका धन्यवाद करती है। और उम्मीद, मैं दो बातें और कह दूं राजपाल जी, अपनी जाते जाते दो बातें और कहना चाह रहा हूँ। मैं सभी से ये कहता हूँ कि चाहे देखिए ये कोई मेरा विषय नहीं है, हम सभी अपने अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ, चाहे कितने भी वो किसी भी पद पर हो, कोई स्कूल चला रहा है, कोई स्कूल में नौकरी कर रहा है, तमाम जो भी अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इस भूमिका में तो है ही। आज जो बच्चे हैं, कल उनको माता पिता भी बनना है, तमाम जो जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स निभाता रहे उनको भी निभानी है, तो वो क्यों ना हम अपने बच्चों में ये सब चीजें डाल देंगे समय रहते, तो इसका एक व्यापक असर ये रहेगा कि समाज के अंदर जो विकृति आ रही है, जो भटकाव है, जो उस समय माता पिता बेचैन अपने बच्चों को लेकर, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं बच्चे हमारी जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। अगर जिस दिन बच्चे जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, अगर हमने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो वो जड़े कट जाएंगे। जड़े जब कट जाएंगे तो आप यकीन माने, मैंने एक बार आपसे बातचीत में भी कहा था कि ये जितने भी वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं तेजी से, ये वृद्ध आश्रम खुलने बंद हो जाएंगे। ये वृद्ध आश्रम किस वजह से खुले हैं? जहां हमारी जड़े कटी वहीं से वृद्ध आश्रम का जन्म हुआ है। तो माता पिता से बच्चे अलग हो जाते हैं, बहुत सी बातें रह जाती है जो आप और हम जानते हैं। इसी तरीके से हर घर घर की कहानियां, यानी क्या क्या घटनाएं होती जा रही है हमारे सामने, आए दिन घटनाएं होती है। तो ये सब चीजें इसलिए हो पा रही कि हम अपने बच्चों को जड़ों से काट रहे हैं, उनको काटने के बजाय उनको उनको साथ जोड़ दीजिए। और ये जोड़ने का जो हमने कोशिश करी है कि अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा अपने संघर्ष की कहानियां लेके, वही जोड़ने का एक दिशा में एक छोटा सा प्रयास है राजपाल जी। और मुझे मुझे गर्व होता है जब मैं किसी बच्चे की कहानी जो वो लिख कर भेजता हूँ और मैं उसको प्रकाशित करता हूँ, तो मुझे भी सीखने को मिलता है कि उसकी मतलब उसके जीवन का जो स्वरूप रहा, ये जो इनके पेरेंट्स है ये ऐसे नहीं, इससे इनका जीवन कितना कष्टमय रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। क्योंकि आज हम जो पेरेंट्स को देख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ये सुख सुविधाओं में है, बहुत अच्छे संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी संघर्ष किया, कितना मेहनत किया। जब तक हम संघर्ष की बात नहीं करेंगे, सुविधा का आनंद भी हम नहीं ले सकते राजपाल। बहुत खूब प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आपका ये जो संघर्ष की कहानी का प्रकाशन है, ये एक सकारात्मक और सफलतम प्रयोग है, अब तक का सफलतम प्रयोग और एक सकारात्मक प्रयोग। जो व्यूअर्स हमारे इस टॉक फेस्ट को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने माता पिता के संघर्ष की कहानी दैनिक रणघोष को, प्रदीप नारायण जी को भेजें। हाँ प्लीज, मेरी उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे लिखे, जो आज जो भी जिस मुकाम पर है वो उनको सबको लिखना चाहिए और गर्व के साथ बताना चाहिए कि मेरे माता पिता ने जो है उनकी आज उनके संघर्ष की बदौलत आज उनके द्वारा प्रेरणा रही है। देखिए आपको बताऊं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने एक कमरे में रह के बात नहीं हो सकती, ये लर्निंग एंड शेयरिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये कहानियां जीवन को बदलने वाली बहुत बड़ी क्रांति है, बेहतर बदलाव की मैं आपको बता रहा हूँ राजपाल जी। ये सारे बदलाव इस तरीके से नहीं आएगा कि किताबों में पढ़ लिया, अच्छे नंबर ले लिए, अच्छे डिग्री हासिल कर ली, ये बदलाव अपने आप से आएगा। और ये बदलाव का इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो जो लोग आपको अपने माता पिता की संघर्ष की कहानी लिख के भेजना चाहते हैं, उनके लिए एड्रेस क्या रहेगा, किस मेल आईडी पे वो भेज सकते हैं? एड्रेस ये रहेगा कि चूंकि मेल करे तो अच्छा रहेगा, मेल आईडी में जो है वो मेरा नंबर, आप जैसा है वो उचित है आपसे जो संपर्क करना चाहे, दोनों बता सकते हैं आप। पहले आप मेल आईडी बता दीजिए। हाँ, मेरा मेल आईडी rangoshnews@gmail.com, और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने, जी आपने बताया मोबाइल नंबर है सर, मैं आपकी मेल आईडी को एक बार दोबारा पढ़ देना चाहता हूँ, rangoshnews@gmail.com। बिल्कुल राजपाल जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 720 7206492978।
मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 7206492978। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप नारायण जी हमारे साथ टैग पे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद राजपाल जी, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, समय हम दोनों ने एक दूसरे को दिया है, और ये भी नहीं है बल्कि आप तकरीर छिड़ी जाती है फिर बात शुरू होते ही। प्रदीप जी मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कंक्लूसिव रिमार्क के रूप में, आप प्लीज शुरू मत हो जाना, हमारे पास में पेड वर्जन नहीं है जूम का, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ये गिविंग बैक का काम कर रहे हैं। कल मुझे किसी दोस्त ने पूछा कि आप ये सब क्यों करते हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, टॉक फेस्ट करते हो, ये सब करते हो, क्यों करते हो, हालांकि टॉक फेस्ट पे एग्जैक्टली नहीं बोला बट कहने का यही था कि सारा आप क्यों करते हो। तो मैंने कहा कि देखो मेरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है TEC, ट्रांसफॉर्म एंड इम्पावर थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक मीडियम है और इम्पावर करना इस प्लेनेट अर्थ को जो एलिंग है, जो पीड़ा में है, और मानवता की जो सफरिंग है वो इतनी ज्यादा है कि उस संसार को एक बेहतर जगह हम बना सके रहने के लिए, वो मकसद है। मैंने उनको यही लिखा कि मैं ये सब इसलिए करता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस प्लेनेट अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो आपने माता पिता के संघर्ष के कहानी पर प्रकाश डाल के इस संसार को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की, और इस प्रकार की कोशिशें हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद प्रदीप नारायण जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। आप सभी व्यूवर्स से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपको हमारा ये टॉक फेस्ट कैसा लगा, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप अपने माता पिता के संघर्ष की कहानी प्रदीप नारायण जी ने जो ईमेल आईडी बताई है उस पे आप जरूर भेजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।